बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के मज़द नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इमरान अब्बासी। सिद्धार्थ कमर अजमान का पोता गोली का निशाना बन गया, पूरा इलाका सोगवार। इस अफसोसनाक खबर की तफसीलात शुरू करने से कबल अपने नए आने वाले नाज़रीन को बता चलूँ कि हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नए आने वाली खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाग साबिक सीनियर वज़ीर व पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिद्धार्थ कमर उज़मान खान के पोते और साबिक चेयरमैन BDA सिद्धार्थ राशिद कमर महरूम के बेटे शम्सुज़्ज़मान हवाई फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिए गए, जहां उनकी हालत अब तसल्ली बख्श करार दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सिद्धार्थ राशिद कमर महरूम का 9 उम्र बेटा शम्सुज़्ज़मान मुबैना तौर पर अपने गाँव में क्रिकेट मैच के दौरान हवाई फायरिंग की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। मालूम हुआ है कि क्रिकेट मैच के बाद मुबैना तौर पर लड़कों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, उसी दौरान एक गोली शम्सुज़्ज़मान की छाती से आर पार हो गई। शम्सुज़्ज़मान को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है।